दोस्तों आज मैं रॉन्ग टर्नर सीरीज का आखिरी पार्ट द रॉन्ग टर्न लास्ट रिजोर्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें फिर से तीनों भाई थ्री फिंगर, साउथ टूथ और वन आई नजर आने वाले हैं। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ये मूवी रॉन्ग टर्न 1, 2 और 3 के बाद के इवेंट की है, पर तीनों ही मूवी तक ये तीनों भाई मारे जा चुके थे, लेकिन डायरेक्टर ने फिर से इस मूवी में इन तीनों भाइयों को दिखाया है। तो ये मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम डारिया और निक नाम के एक कपल को देखते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे थे और एक जगह रुक कर ये हॉट वाटर का मजा लेने लगते हैं, और थ्री फिंगर इन्हें छुप कर देख रहा होता है। और जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो थ्री फिंगर उनका पीछा करता है। वो सही मौका देखकर एक तीर से निक पर हमला करता है, जिससे वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। डारिया निक की मदद के लिए उसके पास जाती है, पर थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उसके खोपड़ी के आर पार हो जाती है। इसके बाद डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। वो तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक नुकीली वायर में फंस कर गिर जाती है। ये नुकीली वायर वन आई और साउथ टूथ ने पकड़ी थी। ये दोनों उस लड़की को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर वहां पर आकर इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम डेनी और टोनी को देखते हैं। इसके अलावा इनके साथ कुछ और फ्रेंड भी होते हैं। ये दोनों और इनके कुछ फ्रेंड घूमने फिरने के लिए होटल में जा रहे होते हैं, और उस होटल का नाम था होब स्प्रिंग्स होटल। अब कुछ टाइम पहले डेनी ने अपनी लाइफ से तंग आकर खुदकुशी करनी चाही थी, लेकिन इससे पहले उसे एक लेटर मिला जिससे उसे पता चला कि वो एक होब स्प्रिंग होटल का मालिक है, और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय और एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पर जा रहा था। अब डेनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त चार्ली, ब्रायन, जिलियन, रोड और वीक उस होटल में पहुंचते हैं और होटल के केयर टेकर जैक्सन और सेली इनका वेलकम करते हैं। लेकिन ये दोनों इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि सिर्फ डेनी अकेला आएगा, जबकि उसके साथ उसके कई दोस्त आए थे। वहां पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि इस होटल से चेकआउट कर रही होती है, और तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसके अंदर घुस जाती है। उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहां आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन को मोड़ कर तोड़ देता है, और वो बूढ़ी औरत वहीं पर मर जाती है। तभी जैक्सन उन तीनों भाइयों को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों भाइयों का इस होटल से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। खैर, दूसरी तरफ डेनी और उसके सभी दोस्त होटल की चीजों को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वो चीजें काफी कीमती और महंगी थी, और अब ये सब कुछ डेनी का होने वाला था। रात को हम केयर टेकर जैक्सन को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों भाइयों से मिलता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाइयों की तरह है। इसके अलावा दूसरी केयर ट्रेकर सैली भी इन तीनों के बहन की तरह है। अगली सुबह डेनी की गर्लफ्रेंड टोनी डेनी को ढूंढती है, फिर तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है जो कि फर्श का खून साफ कर रहा था, और ये वही जगह थी जहाँ पर उस बूढ़ी औरत को मारा गया था। लेकिन टोनी ये सब इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इधर ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट आए होते हैं। वहां पर उनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस प्लेस से मिसिंग हुए लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। इसी दौरान यहाँ का शेरिफ भी आता है और वो एक और तस्वीर यहाँ पर लगा देता है। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जिसकी गर्दन जैक्सन ने तोड़ी थी। दूसरी तरफ जैक्सन डेनी को इस होटल में कई तरह के खानदानी हथियार दिखाता है, और इन सब में डेनी को एक तीर कमान बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद जैक्सन डेनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। डेनी मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें एक हिरन नजर आता है। अब जैक्सन डेनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन जिस तरह वो शिकार करना सिखा रहा था, दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक शेरिफ को भी उसी तरह मार डालता है, और यहाँ डेनी हिरन को मार देता है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं जो वीक को जंगल से डेनी को बुलाने के लिए बोलती है। जब वीक जंगल में जाता तो वो एक मरे हुए हिरन को देखता है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से साउथ टूथ खा रहा था। वीक ये देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते भागते डेनी से टकरा जाता है। ये दोनों टकराने की वजह से खुद को नहीं संभाल पाते और नीचे ढलान में जाकर गिर जाते हैं। गिरते वक्त डेनी एक नुकीली तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद डेनी विक से मदद बुलाने के लिए कहता है, लेकिन तभी जैक्सन आकर इन दोनों की मदद करता है और उन्हें बाहर निकाल कर होटल में ले जाता है। इसके बाद सेली जख्मों को साफ करती है और उस पर खानदानी दवा लगाती है, लेकिन तभी टोनी भी वहां पर आ जाती है और सेली को वहां से जाना पड़ता है। अगली सुबह डेनी वॉशरूम में होता है और वो अपनी सारी दवाओं को क्योंकि अब उसे पहले से बेहतर महसूस हो रहा था और उसे अब काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था, और खास करके तब से जब से उसने हिरन को मारा था।
और अब वो खाने के वक्त अपने दोस्तों को बताता है कि ये होटल मुझे बहुत पसंद आने लगा है, इसलिए मैं इसी होटल में रुकूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। लेकिन बाकी लोग यहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे और वो वापस अपने घर जाना चाहते थे। अब डेनी के दो दोस्त बहुत ज्यादा लालची थे, उन्हें पता था कि उस होटल में बहुत से एंटीक चीजें हैं जिनकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए ये लोग कुछ स्टैचू को अपने बैग में भरने लगते हैं और आखिर में महंगी और कीमती चीजों की तलाश में ये लोग बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी इंटरकोर्स करने के लिए जगह बनी हुई थी। और ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि इंटरकोर्स करने वालों को बहुत से लोग घेरा बनाकर यहाँ से देखा करते होंगे। अब ये दोनों इंटरकोर्स करने लगते हैं और केयर टेकर सेली इन दोनों को देखने लगती है और कुछ देर बाद ये तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और ये तीनों भाई जीलेन के हाथ पैर को उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से जीलेन भी मारी जाती है। और ये तीनों भाई उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन उसी समय सेली वहाँ पर आकर इन तीनों भाइयों को रोक देती है और उन भाइयों को यहाँ से भगा देती है। इसके बाद सेली ब्रायन को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैक्सन यहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने आप को डेनी के लिए तैयार करना है, ये सब करके तुम्हें अपने आप को इम्प्योर नहीं करना है। इसके बाद सैली ब्रायन के मुंह पर तकिया डालकर उसका दम घोटकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ डेनी टोनी से झगड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों केयरटेकर जैक्सन और सैली उन्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए बोलते हैं और डेनी इसके लिए तैयार भी हो जाता है। ये दोनों उसे जंगल में एक छोटे से गाँव की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग डिफॉर्म होते हैं। ये सारे के सारे डिफॉर्म लोग डेनी की फैमिली के ही थे। ये दोनों डेनी को खानदानी नस्ली चीज देते हैं, जिसके बाद सैली उसे बताती है कि यहाँ पर शुरुआत में तीन फैमिली रहने के लिए आई थी और उन्हीं में से तुम एक फैमिली को बिलोंग करते हो, जिनका नाम हिलिकर है। और जितने भी ये बाकी लोग डिफॉर्म दिख रहे हैं, ये लोग प्योर ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहते हैं कि सैली और तुम दोनों ही प्योर ब्लड हो और तुम लोग ही हिलिकर फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेनी का एक दोस्त वीक ट्रक के पीछे छुपकर इन लोगों की सारी बातों को सुन रहा था और उसी वक्त साउथ तो पीछे से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वीक डेनी से बहुत मदद मांगता है, लेकिन डेनी जैक्सन और सैली की बातों में आकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बाद थ्री फिंगर वीक को उल्टा लटका कर उसका गला काट देता है। इसके बाद गला कटने की वजह से उसका खून गिरने लगता है, जिसके बाद वहाँ आसपास बैठे लोग एक प्याला लेकर उस खून को इकट्ठा करने लगते हैं। इसके बाद वो सब लोग उस खून को पी जाते हैं। इसके बाद एक खून का प्याला डेनी को भी दिया जाता है और डेनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगली सुबह डेनी जब होटल में आता है तो टोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि चलो अब हम इस होटल से चलते हैं। डेनी अब इस होटल को और डिफॉर्म लोगों के गांव को छोड़कर यहां से नहीं जाना चाहता था। वो अपने सभी दोस्तों को कहता है कि तुम लोग यहां से चले जाओ और मैं यहीं पर रुकूंगा। और इस वक्त तक डेनी अभी भी अपने खानदानी ड्रग के नशे में था, जो रात को सैली और जैक्सन ने उसे दिया था। अब ये सब लोग चुपके से किचन में जाते हैं और देखते हैं कि जैक्सन वहाँ पर इंसानी मांस को काट कर पका के खा रहा था। अब ये सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब इनकी नजर एक फ्रीजर पर जाती है, जहाँ पर इन्हीं की एक दोस्त जिलियन का कटा हुआ सिर रखा था, जिसे देखकर ये सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी तीनों भाई इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर रॉड और टोनी वहाँ से भाग जाते हैं और चार्ली पकड़ा जाता है, जिसके बाद ये तीनों भाई उसके मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और चार्ली इन तीनों भाइयों को मौका नहीं देता, जिसके बाद ये तीनों भाई उसके प्राइवेट पार्ट में वो पाइप को घुसा देते हैं। इसके कारण उसके पेट में इतना पानी भर जाता है कि प्रेशर के कारण उसका पेट ही फट जाता है और चार्ली मारा जाता है। अब हम रोड और टोनी को देखते हैं। रोड टोनी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन टोनी डेनी के बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो डेनी को ढूंढने के लिए चली जाती है और रोड अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं भी नहीं भाग सकता था। फिर वो तीनों भाई पकड़ लेते हैं और उसके सिर में चाकू मारकर उसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। फिर टोनी, जो कि डेनी को ढूंढ रही थी, वो एक गन उठाकर वहां से आगे बढ़ती है और डेनी को ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर उसे सैली नजर आती है और यहां पर इनकी आपस में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और मौका मिलते ही टोनी सैली का मुंह गर्म पानी में डाल देती है और अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देती है। लेकिन तभी डेनी भी यहां पर आ जाता है और टोनी से उसकी गन छीन और सैली को जाकर देखता है कि वो जिंदा है या फिर मर गई। अब डेनी टोनी को कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब टोनी यहां से भागने लगती है, तभी होटल का दूसरा केयर टेकर आता है और उसे पकड़ लेता है और अपने आप को बचाने की कोशिश में टोनी जैक्सन को भी मार डालती है।
इसके पहले कि टोनी वहां से भाग पाती तभी डेनी वहां पर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गन तान देता है क्योंकि उसने उसके फैमिली मेंबर जैक्सन को मार दिया था। इसके बाद थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि डेनी उस होटल को चला रहा होता है और वहां पर आने वाले लोगों का वेलकम कर रहा होता है और साथ ही होटल के आड़ में इंसानों को मारकर होटल में ठहरने वाले लोगों को ही उनका मांस खिला रहा है। और साथ ही हम डेनी को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं ताकि वो सैली के साथ इंटरकोर्स करके अपनी फैमिली को बढ़ा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।